केदारनाथ धाम के हिमालय क्षेत्रों में पिछले 2 वर्षों में मानव गतिविधियां कम होने से नीलकमल सहित अन्य प्रकार के फूल खिल उठे हैं। इन फूलों के खिलने से हिमालय क्षेत्रों की सुंदरता भी बढ़ गई है। इन दिनों केदारनाथ से 8 किलोमीटर दूर स्थित वास्की ताल के आसपास का क्षेत्र नीलकमल, सोसरिया, हीराकुलम, वालीची सहित अन्य प्रकार के हिमालय फूलों से गुलजार है। सोसरिया का फूल केदारनाथ के हिमालय क्षेत्र में पहली बार पाया गया है। बुग्यालों में दूर दूर तक यह फूल खिले हुए हैं। नीलकमल फूल की बात करें तो यह हिमालय फूल है और हिमालय क्षेत्रों में ही पाया है। वैसे यह फूल 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खिल जाते हैं। नीलकमल फूल की अपनी अलग ही पहचान है। इसके अलावा सोसरिया फूल वासुकी ताल वाले हिमालय क्षेत्र में पहली बार पाया गया है। यह फूल सिर्फ हिमालय क्षेत्र में होता है। वासुकी ताल में यह फूल 1-2 जगह पर नहीं बल्कि काफी बड़े भूभाग में अत्यधिक संख्या में खिले हैं। हिमालय पुष्प कई बीमारियों के इलाज में रामबाण भी साबित होते हैं। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने भी हिमालय फूल खिलने के बाद वासुकी ताल का निरीक्षण कर लिया है। अब केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा पर आने वाले हजारों भक्त केदारनाथ से वासुकी ताल को निहारने भी जाते हैं। यात्रियों की आवाजाही हिमालय क्षेत्रों में होने से इन फूलों का दोहन भी हो सकता है और हिमालय को भी नुकसान पहुंच सकता है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के DFO अमित कंवर ने बताया कि हिमालय क्षेत्रों में मानव गतिविधियां कम होने से अनेक प्रजाति के फूल खिल उठे हैं। उन्होंने कहा कि नीलकमल सहित अन्य प्रकार के पौधे अत्यधिक मात्रा में वासुकी ताल में खिले हैं। इस वर्ष केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कम होने के कारण विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें एकोनिटम स्पीशीज सोसोरिया एटकिंसोनी और जेनिटियाना फाइलेक्स, जिसे लोकल लैंग्वेज में नील कमल भी कहा जाता है, वो भी अत्यधिक मात्रा में जो है वासुकी ताल क्षेत्र में देखा जा सकता है। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।